दूसरे सीरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोमेन के बारे में, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। किसी भी फंक्शन के डोमेन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या आईटी से ईमेल या बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डोमेन से एक क्वेश्चन जरूर आपको वहां पे पूछा जा सकता है। और वहां पे अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको आंसर क्या होता है गलत करके आप आते हैं या आप छोड़ के चले जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में आएगा 100% आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मैं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लसेस, चलिए देखते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी फंक्शन का डोमेन को हम लोग निकालते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, तो हम लोग प्रांत वर्ड से ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। जैसे किसी कंट्री का प्रांत के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस कंट्री का बॉर्डर कहां से कहां तक, मतलब वो कंट्री कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है। सेम पैटर्न पे यहाँ पे फंक्शन के लिए भी ये चीज होता है कि किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो फंक्शन जो है एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है, मतलब वो ग्राफ जब उसका बनाएंगे तो ग्राफ कहां से कहां तक उसका बन रहा है, और वो जो एक्स की वैल्यूज होती है मतलब लेफ्ट टू राइट वही उसका डोमेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, मतलब एक्स की किसी भी फंक्शन में जो डोमेन होगा वो एक्स की वो रियल वैल्यूज होती है जिससे कि एफ एक्स क्या होता है रियल आ जाए, ठीक है। एक्स की क्या रियल वैल्यूज उस फंक्शन की क्या रिप्रेजेंट कर देगा डोमेन, मतलब वो जो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी उसका जो सेट होगा वही उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा डोमेन को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डोमेन को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो डोमेन को निकालेंगे तो दो तरीका होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक थ्योरेटिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नॉलेज है तो मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा उसका ग्राफ आप चुटकियों में बना पाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ग्राफिकल मेथड में आपको मैं बता दूंगा, उससे आप सिंपली ग्राफ सिंपली जो फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ आपको पता है उसका तो आप निकाल ही सकते हैं, जिनका नहीं पता मैं उसको जब ग्राफ सिखा दूंगा तब आप उसको निकाल सकते हैं। और थ्योरेटिकल मेथड से भी आप जितने भी तरह के फंक्शन होते हैं उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपके पास दो मेथड है, दो वे है, मतलब आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय सब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो होता है वो एकदम सिंपल मेथड होता है और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो वहां पे आप इससे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द निकाल सकते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, इसका जो थ्योरी है ये सिर्फ इतना ही है कि लेफ्ट टू राइट वैल्यू, लेफ्ट टू राइट वैल्यू जो होगा वो रिप्रेजेंट कर देगा किसको डोमेन को। मींस अगर जैसे कोई फंक्शन आपको दे दिया गया, जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे आपको कोई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया है और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि बन रहा है, ठीक है। जस्ट हमने एक एग्जांपल ऐसे लिया है जनरली कि मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, ये कोई ग्राफ है जो कि ये जो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज है वो टू है और इधर वाली वैल्यू जो है वो माइनस वन है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये हमने ले लिया कि ये भी टू है और इधर हमने कुछ ले लिया माइनस टू ले लिया, ठीक है। मान लीजिए जस्ट एक जनरल मैंने ये बता दिया कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स जिसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो हम इसका डोमेन देख के कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देख के डोमेन ऐसे पता करते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलना है आपको, लेफ्ट क्या है लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। मतलब लेफ्ट से जहां तक ये ग्राफ बन रहा है, देखिए यहां से यहां तक ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू होगी एक्स की वही क्या रिप्रेजेंट कर देगा डोमेन। तो यहां पर अगर हम लोग डोमेन लिखना चाहें तो यहां पर डोमेन हम लोग लिखेंगे क्या, लेफ्ट में देखिए माइनस वन है, माइनस वन से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है कहां तक बन गया है टू तक, टू के बाद ग्राफ नहीं है ना माइनस वन के पीछे है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टू। तो माइनस वन से टू के बीच में हमारा ये ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बना है जिसका डोमेन क्या हो जाएगा माइनस वन टू टू, ठीक है। क्योंकि माइनस वन और माइनस टू पे वैल्यूज मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया। देखिए कहीं कहीं इस तरीके से ब्रैकेट लगा रहता है, किसी कहीं कहीं इस तरीके से ब्रैकेट लगा रहता है, कहीं कहीं जो है इस तरीके से आपका ब्रैकेट लगा रहता है, तो हर ब्रैकेट का अलग अलग मीनिंग होता है। अगर आपको नहीं पता है इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना के रखी है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख के बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। तो उससे जितने भी कंफ्यूजन है ब्रैकेट से रिलेटेड वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेम पैटर्न पे रेंज के लिए होता क्या है कि बॉटम टू टॉप वैल्यू जो होता है वो रेंज को बताता है। अगर एक हम लोग रेंज की बात कर लें तो माइनस टू से टू जो होगा वो रेंज बता देगा, वो बात की बात है, हम लोग रेंज के बारे में डिटेल वीडियो पढ़ेंगे अलग से देखेंगे। लेकिन ग्राफिकली मेथड वही होता है कि बॉटम टू टॉप देखते हैं, बॉटम माइनस टू 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 है, अगर यहीं पर रेंज की बात कर लें कितना हो जाएगा माइनस टू टू
टू, रेंज भी निकाल सकते हैं ग्राफ देख के, ठीक है। तो जस्ट ये एग्जांपल था। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैं सिंपली ले रहा हूँ जिसका आपको ग्राफ पता होगा। जैसे y इज इक्वल टू x ले लिया मैंने, ठीक है, लिनियर ग्राफ है। y इज इक्वल टू x का ग्राफ आपको पता होगा कि इस तरीके से बनता है, ऐसे ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो ये जो ग्राफ होता है आप देखेंगे कि लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, और राइट में सो मूव करते हुए प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा। जिसका मतलब लेफ्ट वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है और राइट वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है, मीन इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, रियल नंबर। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। ये इसी को माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आपको एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि आपको दे दिया गया है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया मान लीजिए, ठीक है। ये पैराबोलिक फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है ऐसे। तो आप यहां पर भी देखेंगे कि जो इसकी वैल्यूज है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लेफ्ट टू राइट मिल रही है। तो मीन्स इसका भी जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, रियल। देखिए ये ग्राफ सो ऑन मूव करता जाएगा लेफ्ट में, राइट में भी, और सो ऑन मूव करता जाएगा लेफ्ट में भी। इसका भी जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो ग्राफ से आप इस तरीके से डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो अगर आप उसका ग्राफ बना रहे तो इस तरीके से देख के आप उसका डोमेन बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं थ्योरेटिकल मेथड की तरफ, कैसे थ्योरेटिकल मेथड से हम लोग डोमेन को पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल मेथड के लिए तीन बेसिक पॉइंट्स होते हैं। दरअसल ये बेसिक पॉइंट सभी को पता होना चाहिए क्योंकि मैथ के जितने भी ब्रांचेज है हर जगह ये अप्लाई होती है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस बेसिक थ्री पॉइंट से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को नहीं पता रहता, उससे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ये जो बेसिक थ्री पॉइंट बताने चल रहा है ये सिर्फ डोमेन के लिए अप्लाई नहीं करना है, डोमेन के लिए तो लगेगा ही, ठीक है। मतलब वो तीन पॉइंट आते रहेंगे तभी आप डोमेन निकाल पाएंगे, लेकिन वो आप अदर ब्रांचेज में भी उसका यूज कर सकते हैं। वो तीनों पॉइंट आप अगर क्वेश्चन कोई भी लगा रहे हैं तो दिमाग में होने ही चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए तीनों पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर कोई चीज डोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखी गई है तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड, ठीक है। मीन्स अगर कोई फंक्शन आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप में दिया है तो जो जी एक्स होगा डिनोमिनेटर में वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो नीचे वाली वैल्यूज है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक हो गया एक पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है, सेकेंड पॉइंट होता है कि अगर कोई फंक्शन अंडर रूट के अंदर दिया गया है, ठीक है, जैसे अंडर रूट एफ एक्स दिया गया है, तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे लेना क्या है, रियल वैल्यू ऑफ एक्स लेना है, ठीक है। तो रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, मतलब जीरो ले सकते हैं लेकिन जीरो से लेस नहीं ले सकते। तो ग्रेटर आर इक्वल जीरो ले सकते हैं एक कंडीशनों में, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हमारा ये कहता है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर जैसे इस तरीके से आपको दे दिया कि डिनोमिनेटर में है अंडर रूट में है तो दोनों पॉइंट अप्लाई करेंगे साथ में, पहले पॉइंट के मुताबिक ये जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, और दूसरे पॉइंट के मुताबिक अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मीन यहाँ पे हम लोग जो एफ एक्स है उसको क्या कर लेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेंगे, सिर्फ इक्वल जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल जीरो लेंगे तो ये वाला कंडीशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये तीनों बेसिक पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा रखने हैं। तो डोमेन का सवाल हो या अदर सवाल हो, हमेशा दिमाग में तीनों पॉइंट रहेंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक पहले पॉइंट दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको करके मैं बता देता हूं, तो आप इसको पहले नोट कर सकते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे है, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, इन सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सवाल हमने यहाँ पे लिया है, और आपको एग्जाम में जाना है इसी तरीके के सवाल दिखेंगे। कुछ और टाइप के सवाल मिलते हैं, जैसे लॉग से रिलेटेड सवाल होता है उसका डोमेन रेंज आता है, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डोमेन रेंज आता है, ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन से रिलेटेड डोमेन रेंज क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन से रिलेटेड आते हैं, मॉड्यूलर फंक्शन से रिलेटेड आते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सेपरेट अलग से डिस्कस करेंगे। अभी इन तीनों पॉइंट जो बेसिक सवाल आते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर लॉग से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल से, मॉड्यूलस से, ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन, सब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाएगी डोमेन का, मतलब आप हर फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप 100% डोमेन निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन करके डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का जो है फंक्शन दिया गया। तो इसकी कंडीशन क्या है कि देखिए न्यूमिनेटर से कोई दिक्कत हमें नहीं है, न्यूमिनेटर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, न्यूमिनेटर हम लोग कुछ भी एक्स की वैल्यू लें हमको इधर रियल वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर हमें दिक्कत कर देगा, डिनोमिनेटर के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो हमारा है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, मीन्स x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, बस वन नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो डोमेन आएगा मतलब हम लोगों का वो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट माइनस कर देना उसको एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो वन हटा देना है इसमें से। सेम पैटर्न पर सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर दिया गया, ये भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी सवाल दे दिया है, मतलब इससे थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। लगाने का तरीका एकदम सिंपल है कि हमें न्यूमिनेटर से कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स एक्स की वैल्यू हम लोगों को माइनस थ्री नहीं लेना है, माइनस थ्री अगर हम लोग ले लेते हैं एक्स की वैल्यू तो ये जीरो हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू हमको 4 नहीं लेना, मतलब माइनस थ्री और 4 नहीं लेंगे तो हमको डिनोमिनेटर जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको ये वैल्यूज हटा देनी, बाकी x की हम जो भी वैल्यू है प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वो ले सकते हैं, मीन्स इसका डोमेन हम लोग सिंपली निकाल लिया कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सेप्ट माइनस थ्री एंड फोर, माइनस थ्री फोर हटा दीजिए बाकी आप जो भी वैल्यूज है ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन हो गया। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखा गया हो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, इमेजिनरी। तो मीन्स अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस टू यहाँ पे दिया गया है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। मीन्स इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू हम लोग दो से दो के बराबर या दो से बड़े ले सकते हैं। दो से बड़ी कहां तक जा सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब x बिलोंग टू हमारे पास होगा, x बिलोंग टू को मतलब हम लोग डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन हमारा जो होगा वो हो जाएगा टू टू इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट को ओपन ब्रैकेट और टू पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लेना है, मतलब कि टू को लेना है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, अंडर रूट वाले से ही। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अंडर रूट के अंदर चूंकि है तो मतलब इसके इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होने के लिए इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स हम लोग ले सकते हैं, प्लस सिक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री हमको दो फैक्टर मिल जाएंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए रियल लाइफ मेथड का यूज करते हैं। रियल लाइफ मेथड के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं तो उससे रिलेटेड भी आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इनइक्वालिटी मतलब कि इस इनइक्वालिटी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एक्स की किस वैल्यू के लिए होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप यहीं पे समझ लीजिए कि आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि जो इधर लिखा गया उसकी वैल्यू जीरो कब होगी। अगर एक्स टू लेंगे तब जीरो हो जाएगी और एक्स थ्री लेंगे तब जीरो हो जाएगी, मीन्स एक्स टू और थ्री पे इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। तो आप रियल लाइन पे टू और थ्री को कैसे बनाते हैं, तो पहले टू आता है रियल लाइन पे, फिर उसके बाद थ्री आता है, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे सेपरेट कर लीजिए, बना लीजिए बेबी कर्व इसको बोलते हैं, ऐसे बना लीजिए आप। उसके बाद आप क्या करिएगा कि ग्रेटर इक्वल टू जीरो है उसको दिमाग में रखना है, आपको साइन यहां पे कैसे लेना रहता है, पहले आपको प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही लेना है, मतलब प्लस से स्टार्ट करना है माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेटली लेना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है तो आपको प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और पॉइंट जो होंगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, टू थ्री देन आगे जो भी पॉइंट होंगे वैसे लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे इनइक्वालिटी चेक करिए, अगर ग्रेटर देन दिया गया है तो आपको प्लस वाली इनइक्वालिटी लेनी है, अगर लेस देन दिया गया है तो आपको माइनस वाली इनइक्वालिटी लेनी है। चूंकि यहाँ पे ग्रेटर है तो हम लोग को यहाँ पे जो x की वैल्यूज मिल जाएगी, x की वैल्यू मतलब y डोमेन, तो हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है और ये प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू टू, और चूंकि इक्वल साइन है तो टू पे क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट पे तो ओपन ब्रैकेट लगता ही है, सेम पैटर्न पे क्लोज ब्रैकेट थ्री टू प्लस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू थ्री एंड माइनस इनफाइनाइट टू टू एंड थ्री टू इनफाइनाइट, इसका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। समझ गया होंगे, रियल लाइन मेथड एकदम सिंपल होता है, इस रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसमें आप अच्छे समझ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस टू, मीन्स थर्ड वाली प्रॉपर्टी।
मीन्स अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है x माइनस टू उसको ग्रेटर देन जीरो लेना है, इक्वल जीरो नहीं लेना, ठीक है। तो मीन्स x ग्रेटर देन टू लेना है, तो मीन्स जो इसका डोमेन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टू टू इनफाइनिट। अब यहाँ पर ब्रैकेट पे ध्यान देना है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन, क्योंकि टू को नहीं लेना है और इनफाइनाइट को ओपन ब्रैकेट तो लगता ही है। देखो ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम लग रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वल साइन लगेगा, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं, देखो डोमेन दोनों का सेम है, बस इस पे टू पे वैल्यू मिलेगी, इस पे टू पे वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी से रिलेटेड है, आपको दिया गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री। देखिए अभी एक्स प्लस टू से हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की कोई वैल्यू लेंगे वो रियल वैल्यू मिलेगा उसमें, दिक्कत हमें इससे अंडर रूट वाले से एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री इस प्रॉपर्टी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, आप दिखा दीजिए, मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री ही ले सकते हैं हम लोग, थ्री से लेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स हम लोग का जो डोमेन हो जाएगा वो थ्री टू इनफाइनाइट ले सकते हैं, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इक्वल थ्री नहीं लेना है यहाँ पे, तो थ्री टू इनफाइनाइट इसका डोमेन हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट मेथड, ग्राफिकल मेथड और थ्योरेटिकल मेथड, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लॉग से रिलेटेड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड, ग्रेट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड, जितने भी डोमेन के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज है सब चीजें, सब पूरा डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।